हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सोनिया फ्रॉम इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोरिया, यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या, आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। हम इसकी बात करेंगे, इसके कॉजेज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, होम्योपैथी ट्रीटमेंट और इससे आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें सफ़ेद पानी, ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वजाइना से, जो कि कंटिन्यू होता रहता है कुछ अमाउंट में। ये बॉडी का एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होता है, या फिर कुछ हमारे जब हॉर्मोन्स में फ्लक्चुएशन आती है उस टाइम पे भी वाइट डिस्चार्ज होता है। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया, ये इसके दो टाइप होते हैं। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया मतलब कि नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही इसमें कोई स्मेल आती है, ना ही इससे आपको कोई ईचिंग होती है, ना आपकी कोई स्वेलिंग होती है, और ना ही इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ये होता है फिजियोलॉजिकल, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी आपके हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे, इन टाइम पे जब जो डिस्चार्ज होता है बॉडी से, वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज माना जाता है, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। दूसरा टाइप है पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया, जब वाइट डिस्चार्ज की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये जो अंडर गारमेंट्स हैं उन पर स्टेन छोड़ने लगे, उसके अलावा जब इसमें से स्मेल आने लगे, इसका कलर येलोइश, ग्रीनिश या ब्लूइश हो जाए, और आपके जो वजाइना है वहाँ पे ईचिंग रहे, या फिर स्वेलिंग आ जाए, कोई इरप्शंस हो जाए, या फिर आपको यूरिन के टाइम पे बर्निंग फील हो, इन केसेस में जो ल्यूकोरिया है उसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसका सबसे पहला कॉज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और यीस्ट इन्फेक्शन। अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। अदर कॉजेज में इसमें आता है अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद हाइजीन का ध्यान न रखा जाए, उसके अलावा अगर आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आप एनीमिक हो, आपका खून कम है आपकी बॉडी में, या आपको विटामिन डी कैल्शियम की कमी है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, इस वजह से भी आपको ल्यूकोरिया हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या जैसे कि इंट्रायूटराइन डिवाइसेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपको वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है या उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। लंबे टाइम की कोई बीमारी जो लॉन्ग टर्म चली हो, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आ गई हो, उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। तो ये इसके अदर कॉजेज में आता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। सिम्टम में मेन आता है कि आपको हर टाइम वाइट डिस्चार्ज या येलोइश डिस्चार्ज होता रहेगा, आपकी जो अंडर गारमेंट्स हैं उन पे स्टेन रहेगा, उसके अलावा इसमें से स्मेल आ सकती है, आपको ईचिंग रह सकती है वेजाइनल पार्ट पे, या आपको स्वेलिंग हो सकती है, उसके अलावा आपको इरप्शंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर यूरिन के टाइम पे बर्निंग होती है। उसके अलावा कई औरतों को कमर में दर्द या पैरों में दर्द रहता है, साथ में सर दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहेगा और बहुत ज़्यादा थकान फील होगी। ये होते हैं इसके मेन सिम्टम। अब बात करें कि हम होम्योपैथी इसमें आपको कैसे हेल्प करेगी। होम्योपैथी जो आपके इन्फेक्शन की वजह से ल्यूकोरिया हुआ है, या कोई भी कोज है, मान लो वो कोई डेफिशिएंसी है या कोई इन्फेक्शन है, उसके अलावा अदर कोई डिजीज है जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, होम्योपैथी हमेशा कोज को ठीक करती है, ना कि सिम्टम्स को। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो ल्यूकोरिया में काम आती हैं, जैसे कैल्केरिया कार्ब, नेट्रम्यूर, एसिड फोस, पल्सटिला, ये सब दवाइयाँ जो हैं वो सिम्टम बेस पे दी जाती हैं कि पेशेंट को क्यों हुआ है, उसके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आप कोई अपनी होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट करने के लिए कॉल कर सकते हैं। अब बात करें कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो आप अंडर गारमेंट्स यूज़ करते हैं वो कॉटन के क्लोथ के होने चाहिए। आपको डेली बाथ लेना चाहिए, जो अपने अंडर गारमेंट्स हैं उनको धूप में सुखाना चाहिए या डेटोल से वॉश करना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसे अपनी डाइट से पूरी करें और अपनी हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। तो ये सब था ल्यूकोरिया के बारे में। अगर आपको इसके बारे में या इस कोई भी अदर डिजीज है, अगर आप अपना होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।